हेमलॉक सोसाइटी, जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज़ हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने, और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशेस रबोन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी, जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका यूएस पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सोसाइटी। और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय को, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ, जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे। और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स। आनंदकर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेन्स हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदकर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के, एक लेसन बढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स, ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा, जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सोसाइट मेथड्स में। मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वहीं डॉक्टर बासु और निहारी को सर्च करते हैं मेघना की, और ऑलमोस्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे की जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉलन इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम लिम्फो
साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स, मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है। 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से एंड वाइल ही इज़ नर्सिंग ऑन हर ही इज़ ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब रिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में, जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है जिसमें अमर माफ्ते फीमेल वर्जन रहा था एकॉन अनेक रात, साथ ही ए तो आमी चाय जॉल फोरिंग अमर माफ्ते मेल वर्जन भी देखा गया है, फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदा कार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, ब्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अगुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यूज, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ रिलीज़ हुई है बाय द क्रिटिक्स और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक, जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शौल्यो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गागड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोश
जोशी की तरफ से, और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज़ हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने, और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशे श्रोबोन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी, जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका यूएस पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय को, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे। और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब्ड स्लीपिंग पिल्स। आनंदा कर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी, रिफ्रेन्स हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदा कर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के, एक लेसन पढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स, ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में। मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर वासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वही डॉक्टर वासु और निहारी को सर्च करते हैं मेघना की, और ऑलमोस्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन वाइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट
काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स और कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड लाइक चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉल इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाई मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है। 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से एंड वाइल ही इज नर्सिंग ऑन हर ही इज़ ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है जिसमें अमर माफ थे फीमेल वर्जन रहा था एकॉन अनेक रात साथ ही ए तो आमी चाय जॉल फोरिंग अमार मावते मेल वर्जन भी देखा गया है। फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदाकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चाटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चाटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चाटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी। साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, ब्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अगुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यास, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ रिलीज हुई है बाय द क्रिटिक्स और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी कोयल मलिक और शौल्यो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गागड़े
जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज अ एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से, और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशे श्रोबोन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी, तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका यूएस पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सोसाइटी, और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ, तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय का, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे, और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स। आनंदा कर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेन्स हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदा कर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के, एक लेसन पढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स, ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में। मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे।
डॉक्टर वासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वे डॉक्टर वासु और निहारिका सर्च करते हैं मेघना की और ऑलमोस्ट नो स्टोन अंटर, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉल इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाई मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है। 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से एंड वाइल ही इज नर्सिंग ऑन हर ही इज ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है जिसमें अमर माफ थे फीमेल वर्जन रहा था एकॉन अनेक रात साथ ही ए तो आमी चाय जॉल फोरिंग अमार मावते मेल वर्जन भी देखा गया है। फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी। साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, व्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अगुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यूज, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ रिलीज हुई है बाय द क्रिटिक्स और जिसमें कि
परमव्रता चाटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक, जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शौल्यो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का, वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गागड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से, और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज़ हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशेस रबॉन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी, तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका US पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय का, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे, और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स। आनंदाकर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेंस हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदाकर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के, एक लेसन पढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड।
जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइटी एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स। ट्रेनलेट, झूलन, दमानी, रक्तिम, शिखा, जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में, मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वे डॉक्टर बासु और निहारी को सर्च करते हैं मेघना की, और ऑलमोस्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने और नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स, और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव, एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉलन इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम लिम्फोसाइटोपेनिया, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है। 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से, एंड वाइल ही इज ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में, जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, जिसमें अमर माफ्ते फीमेल वर्जन रहा था, एकॉन अनेक रात, साथ ही ए तो आमी चाय, जॉल फोरिंग, अमर माफ्ते मेल वर्जन भी देखा गया है, फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदाकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी,
ब्रत्याबासु, बरुणचंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष गन के एज अ गून नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्योस, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ रिलीज़ हुई है बाय द क्रिटिक्स और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शोलियो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गागड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज अ एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है रिलीज़ हुई थी 2020 में जून मंथ में जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशेस रबॉन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका US पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सोसाइट और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय को, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन
and suffering, she goes to her father, doctor, to get prescribed sleeping pills. आनंदकर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेन्स हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड. ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट. आनंदकर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के एक लेसन पढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड. जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है. मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स. ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में. मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे. डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल. तो वे डॉक्टर बासु और निहारी को सर्च करते हैं मेघना की और ऑलमोस्ट नो स्टोन अंटर्ड, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो. तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को. 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं. तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिसरीज ऑफ अदर इनमेट्स कंसिडर करती है खुद को एक लकी. एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉलन इन लव विद आनंदा. आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स. मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास. और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर. शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है. 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से एंड वाइल ही इज नर्सिंग ऑन हर ही इज ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन. फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी. तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से. लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने. गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है जिसमें अमर माफ थे फीमेल वर्जन रहा था एकॉन अनेक रात साथ ही ए तो आमी चाय जॉल फोरिंग अमर माफ थे मेल वर्जन भी देखा गया है. फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था. कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु,
दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चाटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चाटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चाटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, ब्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अ गुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यास, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ रिलीज हुई है बाय द क्रिटिक्स और जिसमें कि परमव्रता चाटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शोलियो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गागड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म्स लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है रिलीज हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशे श्रोबोन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका US पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है।
और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ, तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय को। ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियॉन्से, और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स। आनंदा कर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेन्स हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदा कर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के एक लेसन पढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स। ट्रेनलेट झूलन धमानी रक्तिम शिखा जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में, मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें शैटर हो जाते हैं बिल्कुल, तो वे डॉक्टर बासु और निहारिका सर्च करते हैं मेघना की और ऑलमोस्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने और नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिसरीज ऑफ अदर इनमेट्स और कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉल इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास, और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाई मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है। 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से एंड वाइल ही इज नर्सिंग ऑन हर ही इज ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने।
गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, जिसमें अमर माफ थे फीमेल वर्जन रहा था, इकॉन अनेक रात, साथ ही ए तो आमी चाय, जॉल फोरिंग, अमर माफ थे मेल वर्जन भी देखा गया है, फिर ये देव गान, हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, ब्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अगून नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्योस, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे, और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ रिलीज़ हुई है बाय द क्रिटिक्स, और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है, एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है, एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक, जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शोलियो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का, वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गांगड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल, और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट, और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से, और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं, और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज़ हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने, और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशेस रबॉन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चटर्जी, तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका US पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सोसाइट, और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में।
एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है। कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय को। ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे। और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब्ड स्लीपिंग पिल्स। आनंदकर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेंस हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदकर जो कि फाउंडर है हेमलोक सोसाइटी के एक लेसन बढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स ट्रेनलेट झूलन दमानी रक्तिम शिखा जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सोसाइट मेथड्स में। मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वे डॉक्टर बासु और निहारी को सर्च करते हैं मेघना की और ऑलमोस्ट नो स्टोन अंटर्ड मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉलन इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फोसाइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेस हर। शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाई मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है। 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से एंड वाइल ही इज ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे
जो कि अब डिजेक्टेड सोल है, अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में, जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, जिसमें अमर माफ्ते फीमेल वर्जन रहा था, एकॉन अनेक रात, साथ ही ए तो आमी चाय, जॉल फोरिंग, अमर माफ्ते मेल वर्जन भी देखा गया है, फिर ये देव गान, हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, व्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अगुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्योस, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ रिलीज हुई है बाय द क्रिटिक्स, और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक, जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शोलियो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गागड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज अ एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से, और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशे स्रोबोन के लिए।
फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नजर आए थे परमब्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी, जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका यूएस पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्सन्स मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है। कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय का। ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ, जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे। और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स। आनंदा कर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेन्स हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदा कर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के एक लेसन पढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ। और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बींग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स। ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में। मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर वासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वे डॉक्टर वासु और निहारी का सर्च करते हैं मेघना की और ऑलमोस्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे की जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स और कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉल इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज
in spite of complaint and regret, surprises her. She learns from Ananda that Hemlock Society, an institute hai that refrains people from ending their life by making them aware of importance, matlab jo unki life ki importance hai unke bare mein batati hai jo puri society hai. 6 months later, Meghna reconcile karti hai Ananda se, and while he's on a nursing home bed after having a blood transfusion. फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ, जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है, अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है, एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी. तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में, जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से. लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने. गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, जिसमें अमर माफ थे फीमेल वर्जन रहा था, एकॉन अनेक रात, साथ ही ए तो आमी चाय, जॉल फोरिंग, अमार मावते मेल वर्जन भी देखा गया है, फिर ये देव गान, हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था. कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिद चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, व्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अगुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यूज, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे, और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म. तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ रिलीज हुई है बाय द क्रिटिक्स, और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है, एंड वॉज अ कोयल मलिक जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है, एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक, जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शौल्यो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है. साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का, वो भी रिसीव हुआ है. उमेश गागड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज अ एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल, और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए. हाउएवर He turned down the project despite taking an immense liking the script or titular roles जो कि finally play करे गए थे by Amrita Khanvilkar और Swapnil Joshi की तरफ से, और performance काफ़ी पसंद करी गई हैं, और almost जो है around 21 awards मिले हैं film को in various categories.
हेमलॉक सोसाइटी, जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने, और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशे श्रोबोन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी, जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका यूएस पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय को, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ, जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे। और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स। आनंदकर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेन्स हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदकर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के, एक लेसन पढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स, ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा, जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सोसाइट मेथड्स में। मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वहीं डॉक्टर बासु और निहारी को सर्च करते हैं मेघना की और ऑलमोस्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे की जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने और नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स और कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉलन इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो
साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स, मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है। 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से एंड वाइल ही इज़ नर्सिंग ऑन हर ही इज़ ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब रिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में, जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है जिसमें अमर माफते फीमेल वर्जन रहा था, इकॉन अनेक रात, साथ ही ए तो आमी चाय, जॉल फोरिंग, अमर माफते मेल वर्जन भी देखा गया है, फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदा कार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, ब्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अगुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यूज, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ रिलीज़ हुई है बाय द क्रिटिक्स और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक, जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शौलियो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गांगड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल
जोशी की तरफ से, और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज़ हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने, और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशेस रबोन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी, जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका यूएस पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय को, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ, जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे। और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब्ड स्लीपिंग पिल्स। आनंदा कर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेंस हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदा कर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के, एक लेसन बढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स, ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा, जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में। मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर वासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वही डॉक्टर वासु और निहारी को सर्च करते हैं मेघना की, और ऑलमोस्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन वाइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे की जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट
काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स और कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड लाइक चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉलन इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाई मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है। 6 मंथ्स लेटर मेघना रिकनसाइल करती है आनंदा से एंड वाइल ही इज नर्सिंग ऑन हर ही इज़ ऑन अ नर्सिंग होम बेड आफ्टर हैविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है जिसमें अमर माफते फीमेल वर्जन रहा था एकॉन अनेक रात साथ ही ए तो आमी चाय जॉल फोरिंग अमार मावते मेल वर्जन भी देखा गया है। फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदा कार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चाटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चाटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चाटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी। साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, व्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष गन के एज अगुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यास, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ रिलीज हुई है बाय द क्रिटिक्स और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी कोयल मलिक और शौल्यो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गागड़े
जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज अ एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से, और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशे श्रोबोन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका यूएस पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सोसाइटी। और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपनी फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय का, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे। और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग, शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स। आनंदा कर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेंस हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदा कर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के, एक लेसन बढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड। जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइट एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में। मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे।
डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वे डॉक्टर बासु और निहारिका सर्च करते हैं मेघना की और ऑलमोस्ट नो स्टोन अंटर, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉल इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो साइटोपेनिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। She learns from Ananda that Hemlock Society एक institute है that refrains people from ending their life by making them aware of importance, मतलब जो उनकी life की importance है उनके बारे में बताती है जो पूरी society है। 6 months later Meghna reconcile करती है Ananda से and while he's on a nursing home bed after having a blood transfusion। फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में, जिसमें कि साउंड ट्रैक कम्पोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है जिसमें अमर माफ थे फीमेल वर्जन रहा था, इकॉन अनेक रात, साथ ही ए तो आमी चाय, जॉल फोरिंग, अमार मावते मेल वर्जन भी देखा गया है, फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी, ब्रत्या बासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष, गन के एज अगुन नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यूज, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ रिलीज हुई है बाय द क्रिटिक्स, और जिसमें कि
परमव्रता चाटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक, जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शौल्यो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का, वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गागड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी, जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से, और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है, रिलीज हुई थी 2020 में जून मंथ में, जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशे श्रोबॉन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चाटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चाटर्जी, तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका US पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी, और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सोसाइटी, और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ, तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय का, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे, और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड सफरिंग। शी गोज टू हर फादर डॉक्टर टू गेट प्रिस्क्राइब स्लीपिंग पिल्स। आनंदा कर जो कि नेम सजेस्ट करा जाता है टू मेक मैरी रिफ्रेंस हर फ्रॉम एंडिंग हर लाइफ और कम्स विद एन अनयूजुअल प्रपोजल कि वो इम्पार्ट हो जाए टेक्निकल से और नो अबाउट हाउ अबाउट कमिटिंग सुसाइड। ऐड करती है ट्रेनिंग विल सेव यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट इफ सुसाइड बिकम्स अ वेन अटेम्प्ट। आनंदा कर जो कि फाउंडर है हेमलॉक सोसाइटी के, एक लेसन पढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड।
जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ, और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है। मेघना असेंबल करती है पूरे सोसाइटी एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स। ट्रेनलेट, झूलन, धमानी, रक्तिम, शिखा, जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में, मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे। डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल। तो वे डॉक्टर बासु और निहारिका सर्च करते हैं मेघना की, और ऑलमोस्ट नो स्टोन अंटर, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो। तो वे मीन माइल एट हेमलॉक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को। 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को, और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स और कंसिडर करती है खुद को एक लकी। एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड एंड इज दैट शी हैड फॉल इन लव विद आनंदा। आनंदा उसे इन्फॉर्म करता है दैट ही सफरिंग फ्रॉम लिम्फो साइटोपेनिया, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ही वुड सर्वाइव ओनली फॉर 2 मोर ईयर्स। मेघना जो है हेमलॉक सोसाइटी जो है छोड़ देती है और रिटर्न करती है अपने फादर के पास। और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेज हर। She learns from Ananda that Hemlock Society एक institute है that refrains people from ending their life by making them aware of importance, मतलब जो उनकी life की importance है उनके बारे में बताती है जो पूरी society है। 6 months later Meghna reconcile करती है Ananda से and while he's on a nursing home bed after having a blood transfusion, फिल्म एंड हो जाती है एक विटी नोट के साथ जहाँ पे मेघना का फियांसे जो कि अब डिजेक्टेड सोल है अनडाउटेडली सुसाइड एस्पिरेंट भी है एंड बीइंग टेकन टू हेमलॉक सोसाइटी फॉर हिज रिकवरी। तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में, जिसमें कि साउंड ट्रैक कम्पोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से। लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने। गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है, जिसमें अमर माफ थे फीमेल वर्जन रहा था, इकॉन अनेक रात, साथ ही ए तो आमी चाय, जॉल फोरिंग, अमार मावते मेल वर्जन भी देखा गया है, फिर ये देव गान, हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था। कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदकार, रूपा गांगुली एज निहारिका बासु, दीपांकर दे एज डॉक्टर चित्रंजन बासु यानी कि मेघना के फादर, रीता बासु देखी गई थी मेघना की मदर के रोल में, शिलाजीत मजुमदार एज सिद्धार्थ रॉय यानी कि सिंगर रहे थे, साहिब चटर्जी एज शांतनु, आनंदिता बोस एज श्रेया, विश्वजीत चक्रवर्ती एज पुलिस ऑफिसर, सौमित्र चटर्जी एज कर्नल समरेश, सावित्री चटर्जी झूलन गुप्तो यानी कि गेस्ट अपीयरेंस में रही थी, साथ ही गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे श्रीजीत मुखर्जी,
ब्रत्यबासु, वरुण चंदा, राज चक्रवर्ती, इंद्रनाथ मुखर्जी, अक्षय कपूर, रीता ब्रता घोष गन के एज अ गून नजर आए थे, सुदेशना रॉय एज शिखर धौर, सुहाग सेन एज मिस सेला न्यूज, प्रियंका सरकार एज हिया वो भी गेस्ट अपीयरेंस में रहे और जीत भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे इन द फिल्म। तो दोस्तों फिल्म जो है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ रिलीज़ हुई है बाय द क्रिटिक्स और जिसमें कि परमव्रता चटर्जी की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद करा गया है एंड वॉज अ कोयल मलिक जिसको जिनकी परफॉर्मेंस भी पसंद करी गई है एंड हैज़ रिसीव्ड 21 अवार्ड्स अब तक जिसमें कि श्रीजीत मुखर्जी, कोयल मलिक और शौल्यो जानंदो मुखर्जी को मेमोरियल अवार्ड फॉर डायरेक्टिंग एक्टिंग रिस्पेक्टिवली मिला है। साथ ही जो है BFJ अवार्ड्स जो कि ओल्डेस्ट फिल्म अवार्ड है इंडिया का वो भी रिसीव हुआ है। उमेश गांगड़े जो कि प्रीवियसली वर्क कर रहे थे एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन अ फिल्म लाइक धूम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए उन्होंने भी रीमेक करा है फिल्म का विद द टाइटल वेलकम जिंदगी इन द मराठी जिसमें कि उर्मिला मातोड़कर अप्रोच करी गई थी फॉर कोयल मलिक रोल और अतुल कुलकर्णी को ऑफर करा गया था परमव्रता के रोल के लिए। हाउएवर ही टर्न डाउन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट टेकिंग एन इमेंस लाइकिंग द स्क्रिप्ट और टिटुलर रोल्स जो कि फाइनली प्ले करे गए थे बाय अमृता खनविलकर और स्वप्निल जोशी की तरफ से और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद करी गई हैं और ऑलमोस्ट जो है अराउंड 21 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म को इन वेरियस कैटेगरीज। हेमलॉक सोसाइटी जो कि एक इंडियन बंगाली रोमांटिक डार्क कॉमेडी फिल्म है रिलीज़ हुई थी 2020 में जून मंथ में जिसको डायरेक्ट करा था श्रीजीत मुखर्जी ने और जो कि डायरेक्टर भी हैं ऑटोग्राफ और बैशेस रबॉन के लिए। फिल्म की जो कास्टिंग है उसमें नज़र आए थे परमव्रता चटर्जी, कोयल मलिक, सौमित्र चटर्जी। तो वही फिल्म जो है इंस्पायर्ड है हेमलॉक सोसाइटी जो कि सोसाइटी है जो बेस्ड है संता मोनिका US पे। प्राइमरी मिशन जो है सोसाइटी का वो इंक्लूड करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पर्संस मर रहे हैं उनकी और सपोर्टिंग लेजिस्लेशन, परमिटिंग फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड और मूवी जो है रीमेड है मराठी में 2015 में एज वेलकम जिंदगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही है, कलेक्शन रहा था ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का। तो वहीं स्टोरी की बात करें तो मूवी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसाइट लेकर आई है साइकोलॉजिकल डिलेमा में अबाउट द प्राइमल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक रीइटरेट है द फैक्ट यू कैन शॉक समवन बाय लेटिंग देम नो कि डेथ का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है और साथ ही साथ ये एक डार्क कॉमेडी भी है जो कि सक्सेसफुली इवोक कर रही है अवेयरनेस को लाइफ की। कॉमिक एलिमेंट जो कि यूज़ करा जाता है डेक्स्ट्रसली टू ब्रिंग आउट द फियर ऑफ डेथ। तो वहीं प्रोटागोनिस्ट मेघना यानी कि कोयल मलिक अपनी मदर को मिस कर रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है अपने फेवरेट नंबर सिद्धार्थ रॉय को, ब्लेम करती है न्यू लेडी इन हर फादर्स लाइफ जो कि पूरा जो है शेक करके रख देती है बाय द डिजेक्शन बाय हर फियांसे और साथ ही ये एक एस्केप रूट है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पेन
and suffering, she goes to her father, doctor, to get prescribed sleeping pills. Anandakar, जो कि name suggest करा जाता है to make Mary, refrains her from ending her life or comes with an unusual proposal कि वो impart हो जाए technical से और know about how about committing suicide. Add करती है training will save you from embarrassment if suicide becomes a vain attempt. Anandakar जो कि founder है हेमलोक society के एक लेसन बढ़ाते हैं एस्पिरेंट को दैट हाउ टू सक्सेसफुली कमिट सुसाइड. जो नेम है प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. ट्रिक करता है कि वो एक एग्जीक्यूट लेके आए एंड की तरफ और सोसाइटी जो है वो एक फिल्म स्टूडियो है. मेघना असेंबल करती है पूरे सुसाइड एस्पिरेंट्स को बीइंग एड्रेस्ड बाय द ओवर एंथुसियास्टिक प्रोफेसर्स. ट्रेनलेट, झूलन, दमानी, रक्तिम, शिखा जो कि सभी स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट सुसाइड मेथड्स में. मेघना गोज विद हिम और एक गुड बाय मैसेज लीव करती है अपने पेरेंट्स के लिए अपने अपार्टमेंट डोर पे. डॉक्टर बासु आते हैं इन सर्च ऑफ हिज डॉटर एंड नोट मिलता है उन्हें, शैटर हो जाते हैं बिल्कुल. तो वे डॉक्टर बासु और निहारी को सर्च करते हैं मेघना की और ऑलमोस्ट नो स्टोन अंटर्ड, मतलब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि उन्होंने परखा ना हो. तो वे मीन माइल एट हेमलोक सोसाइटी मेघना एनकाउंटर करती है काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से एंड रिलेट करती है ह्यूमंस की लाइफ और डेथ को. 3 दिन की वर्कशॉप में जहाँ पे कि जो सोसाइटी होती है अंडरस्टैंड करती है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ को और विद दैट काफ़ी डिफरेंस देखा गया है कि क्या नुकसान है अपने नज़दीकियों के और क्या फ़ायदे हैं. तो वही मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेघना अकर्स और व्हेन शी रियलाइजेज द मिस्ट्रीज ऑफ अदर इनमेट्स कंसिडर करती है खुद को एक लकी. एक फाइनल डे मेघना कन्फेस करती है आनंदा को दैट शी वॉन्ट्स टू लिव एंड अ वाइटल रीजन जो रहा उसका वर्क के बिहाइंड दैट चेंजिंग ऑफ माइंड and is that she had fallen in love with Ananda. Ananda was informed karta hai that he is suffering from lymphocytopenia jo ki ek medical condition hai jisme ki he would survive only for 2 more years. Meghna jo hai hemlock society jo hai chhod deti hai aur return karti hai apne father ke paas. और जो पहला थॉट आया था दैट समवन नियर द क्रैडल डेथ कैन ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट इन स्पाइट ऑफ कंप्लेन एंड रिग्रेट सरप्राइजेस हर. शी लर्न्स फ्रॉम आनंदा दैट हेमलॉक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूट है दैट रिफ्रेन्स पीपल फ्रॉम एंडिंग देयर लाइफ बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब जो उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंस है उनके बारे में बताती है जो पूरी सोसाइटी है. 6 months later, Meghna reconcile करती है Ananda से and while he's on a nursing home bed after having a blood transfusion, film end हो जाती है एक witty note के साथ जहाँ पे Meghna का fiance जो कि अब dejected soul है undoubtedly suicide aspirant भी है and being taken to Hemlock Society for his recovery. तो वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की जो साउंड ट्रैक है उसके बारे में जिसमें कि साउंड ट्रैक कंपोज करा गया था बाय अनुपम रॉय और इंद्रदीप दास गुप्ता की तरफ से. लिरिक्स लिखे थे अनुपम रॉय ने और म्यूजिक कंपोज करा था अनुपम रॉय के साथ साथ इंद्रदीप दास गुप्ता ने. गानों की बात करें तो ऑलमोस्ट फिल्म में जो है 20-25 मिनट का साउंड ट्रैक रहा है जिसमें अमर माफते फीमेल वर्जन रहा था एकॉन अनेक रात साथ ही ए तो आमी चाय जॉल फोरिंग अमर माफते मेल वर्जन भी देखा गया है. फिर ये देव गान हेमलॉक सोसाइटी थीम सॉन्ग भी रहा था. कास्टिंग की बात की जाए तो फिल्म में नजर आई हैं कोयल मलिक एज मेघना सरकार, परमव्रता चटर्जी नजर आए एज आनंदकार, रूपा गांगुली एज